तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी कौन सी वो तीन चीजें हैं जो कि आपके एक्ने पिंपल्स को जो है जड़ से खत्म कर सकती हैं, साथ ही साथ आपकी स्किन को हेल्दी एंड ग्लोइंग बनाने में भी जो है हेल्पफुल है। इन तीनों ही चीजों के एंटी एजिंग बेनिफिट्स भी हैं। तो अगर आप अपने 30s में है या अपने 40s में है और आपको चाहिए एंटी एजिंग बेनिफिट्स, तो ये तीनों ही चीजें आपके उस पर्पज को सॉल्व करने में हेल्पफुल है। ये तीनों ही चीजें जो है वो 100% नेचुरल है, इनके किसी भी तरह के कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सो इन्हें आप जो है बेझिझक यूज कर सकते हैं और ये एक बहुत ही जो है चीजें हैं, तो इसे हर कोई अफोर्ड कर सकता है। फर्क नहीं पड़ता आप स्टूडेंट हैं, फर्क नहीं पड़ता आप बहुत अच्छी जॉब में हैं, दोनों ही तरह के लोग इन्हें अफोर्ड कर सकते हैं एंड डेली बेसिस पे जो है यूज कर सकते हैं। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा देखिएगा, बिकॉज आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इन तीनों ही चीजों के बारे में, साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे इनकी क्वांटिटी के बारे में। अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो हो सकता है आपको फायदा नहीं उल्टा नुकसान हो सकता है। सो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स जंप इनटू द वीडियो फर्स्ट। सो हेल्दी एंड ग्लोइंग स्किन पाना हर कोई चाहता है, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है थोड़ी सी, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो कि प्रोडक्ट्स के ऊपर अपना 100% देते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि अगर आप ढंग का खाएंगे नहीं तो ऑब्वियसली आपकी स्किन ग्लो नहीं करने वाली, और साथ साथ आपके एक्ने पिंपल्स भी जो है कभी भी नहीं जाने वाले। भले आप कितना अच्छा स्किन केयर रूटीन फॉलो कीजिए, चाहे कितने ही अच्छे आप मेडिसिन ले लीजिए, कितने ही अच्छे आप सप्लीमेंट्स ले लीजिए, अगर आपकी डाइट जो होलसम फूड आप डेली बेसिस पे खा रहे हैं वो फिक्स, अगर आप उसे फिक्स नहीं करेंगे, सब चीजें जो है बेकार है। तो आज के इस वीडियो में जो पहली चीज है जो कि आपके एक्ने पिंपल्स को जड़ से खत्म करने में हेल्पफुल रहेगी वो है पंपकिन सीड्स। पंपकिन सीड्स क्या होते हैं? पंपकिन सीड्स होते हैं कद्दू के बीज। आज के इस वीडियो में इनको बताने का मेरा पर्पस क्या है, चलिए बात करते हैं। तो पंपकिन सीड्स जो होते हैं वो होते हैं हाई इन एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक है, और साथ ही आपके कैंसर के रिस्क को भी कम करते हैं। ये आपके प्रोस्टेट एंड ब्लैडर हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। ये काफी अच्छा मात्रा में जो है इनमें मैग्नीशियम पाया जाता है, जो कि आपकी स्किन हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, और साथ ही साथ अगर आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो पंप के लिए मैग्नीशियम एंड पोटेशियम बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। पंपकिन सीड्स आपके हार्ट हेल्थ को भी जो है इंप्रूव करने में हेल्पफुल है, साथ ही साथ ये आपके ब्लड शुगर लेवल्स को भी इंप्रूव करती है, और ये बहुत ज्यादा हाई है फाइबर में। तो इस तरह के बेनिफिट्स आपको इन पंपकिन सीड्स के थ्रू मिलते हैं। साथ ही साथ पंपकिन सीड्स में हाइलुरोनिक एसिड भी पाया जाता है, जो आपकी स्किन को फर्म बनाने में, स्मूथ बनाने में, और साथ ही साथ आपकी अगर स्किन बहुत ज्यादा ड्राई रहती है तो उसको भी फिक्स करने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। तो ये जो सीड्स हैं इसका आप नियमित रूप से जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको आपको करना क्या है, 1 टेबलस्पून लेना है और रात में जो है भिगो के रख देना है पानी के अंदर। एक कटोरी पानी लीजिए, उसके अंदर 1 टेबलस्पून जो बड़ा वाला चम्मच होता है वो लेके आप उसको भीगने के लिए छोड़ दीजिए, एंड सुबह जब आप उठें तब आप इसे खाली पेट जो है यूज कर सकते हैं। भले आप इसे अपनी किसी स्मूदी में डाल सकते हैं, या अगर आप मेरी ओट्स वाली डाइट फॉलो कर रहे हैं तो उसके अंदर भी है ऊपर से जो है डाल सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा फ्लेवर आ जाएगा, खाने में आपको इजी लगेंगे, एंड इसका टेस्ट भी अच्छा होता है, टेस्ट बेकार नहीं होता, तो आप खा सकते हैं इजीली। तो डेली बेसिस पे खाना इस्तेमाल की खाना शुरू कीजिए, आपको डेफिनेटली बहुत ही जल्दी इसके रिजल्ट्स आपको विजिबल हो जाएंगे, और ये आपके हार्मोनल इंबैलेंस को भी फिक्स करने में हेल्पफुल है। तो जो फीमेल्स हैं जो कि हार्मोनल एक्ने से सफर कर रही हैं, तो उनके लिए तो ये रामबाण उपाय है। अगर आपका लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा बिजी रहता है, आप बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं और आपके पास टाइम नहीं है एक हेल्दी डाइट फॉलो करने के लिए, तो आप ले सकते हैं वाओ का ओमेगा 3। ये आपकी स्किन हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अगर आपका जो लाइफस्टाइल है वो इतना एक्टिव नहीं है और आप घर से काम करते हैं और ज्यादा आप वर्कआउट वगैरह नहीं करते हैं, तो आपको इसकी सिर्फ 1 कैप्सूल लेनी है। इसके अंदर 60 कैप्सूल आती हैं। 1 कैप्सूल आपको लेनी है डिनर करने के 5 मिनट बाद, पानी के साथ आप ले सकते हैं। अगर आप एक ऐसे इंसान है जिसका लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा एक्टिव है, आप बहुत रेगुलरली जो है जिम करते हैं, तो आप इसके 2 कैप्सूल्स ले सकते हैं, एक लंच के बाद और एक डिनर के बाद में। तो इसे बाय करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, प्लीज आप चेकआउट कीजिए। आज के इस वीडियो का दूसरी चीज जो कि आपके एक्ने पिंपल्स को जड़ से रिमूव करने में हेल्पफुल है वो है चिया सीड्स। अब चिया सीड्स क्या होते हैं, एक बार मैं आपको फोटो दिखा देता हूं। तो चिया सीड्स के क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं, चलिए बात करते हैं। ठीक है, चिया सीड्स एक आप बोल सकते हैं एक तरह का सुपर फूड है। ठीक है, तीनों ही सीड जो मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ये तीनों ही जो है सुपर फूड्स हैं, लेकिन इन सभी में मेरा पर्सनल फेवरेट है चिया सीड्स। क्यों है? चिया सीड्स के अंदर जो है काफी मात्रा में जिंक पाया जाता है, इसके अंदर मैग्नीशियम है, फॉस्फोरस है, कैल्शियम है, प्रोटीन्स है, फाइबर है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, एंड बहुत सारे जो है हेल्दी वाइटमिन्स हैं। ठीक है, चिया सीड्स क्या है, आप बोल सकते हैं कि एक तरह से हर चीज को कवर करता है जो कि आपकी स्किन हेल्थ के लिए, आपकी ओवरऑल बॉडी हेल्थ के लिए जो है जरूरी है। इसके अंदर आपको ओमेगा 3 मिल जाता है, काफी अच्छी मात्रा में आपको इसके अंदर प्रोटीन मिल जाता है, साथ ही साथ इसके अंदर आपको फॉस्फोरस और कैल्शियम जैसी चीजें मिल जाती हैं जो कि आपकी बोन हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छी होती है।
हैं। चिया सीड्स आपको जो है वेट लॉस में भी जो है हेल्प करते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा मोटे हैं तो चिया सीड्स क्या करते हैं, आपकी आपको जो है वेट लॉस करने में भी हेल्प करते हैं। वो कौन सा है, किस तरीके से जो हेल्प करते हैं, वो अलग साइंस है, किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए आप ये जान लीजिए कि ये हेल्प करता है और साथ ही साथ ये फाइबर में बहुत ज्यादा रिच है। तो अगर आपको डाइजेशन अच्छा नहीं है, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, तो आप जो है नियमित रूप से जो है चिया सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा सिंपल है, आपको बस करना ये है, आपको रात को सोने से पहले एक टेबल स्पून जो है चिया सीड्स पानी में डालने हैं और पूरी रात जो है उसको भीगने दीजिए, सोख होने दीजिए वाटर में, और सुबह आप या तो ओट्स वाली डाइट में ले सकते हैं या किसी स्मूदी में डाल के इसको ले सकते हैं। और इसे आप जो है पंपकिन सीड्स के साथ में लेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको इन तीनों में से एक ही चीज लेनी है, आपको तीनों ही चीजें लेनी होंगी, ठीक है। तो पंपकिन सीड्स एंड चिया सीड्स दोनों को मिक्स कीजिए और अपने उस जो भी आप चीज ले रहे हैं उसके अंदर आप डाल सकते हैं। और एक चीज मैं बता दूं, अगर आप छाछ के शौकीन है तो छाछ के अंदर भी डालती इन दोनों चीजों को ले सकते हैं। तीसरा सुपर फूड जो कि हेल्प करेगा आपकी स्किन को अंदर से ग्लोइंग बनाने में, वो है फ्लैक्सीड। फ्लैक्सीड क्या होते हैं, फ्लैक्सीड होते हैं अलसी के बीज। फ्लैक्सीड जो है बहुत ही ज्यादा मात्रा में इसके अंदर जो है पाया जाता है ओमेगा 3। और फ्लैक्सीड कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन में, ठीक है। ये आपके कैंसर के रिस्क को कम करता है, साथ ही साथ ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करता है, ये आपके ब्लड प्रेशर को जो है कम करने में हेल्पफुल है, साथ ही साथ ये आपके शुगर लेवल्स को जो है स्टेबलाइज करता है। तो एक बीज है और उसके अनेक जो है महत्वपूर्ण जो है बेनिफिट्स हैं। ये आपके बीपी में भी अच्छा है, आपके शुगर में अच्छा है, साथ ही साथ आपके एक्ने पिंपल्स में भी अच्छा है। बिकॉज अगर आप बहुत तरह की फालतू की चीजें खा रहे थे, जो है आप फास्ट फूड्स वगैरह खा रहे थे, तो ये आपकी बॉडी को, तीनों ही तरह के सीड्स आपकी बॉडी को अंदर से क्लेंस करने में भी अच्छे हैं। और साथ ही साथ इनमें आपको अच्छा मात्रा में प्रोटीन मिलता है, बहुत तरह के विटामिंस एंड मिनरल्स मिलते हैं, और साथ ही साथ आपको मिलता है ओमेगा 3 जो कि बहुत जरूरी है आपकी स्किन हेल्थ के लिए। तो इन तीनों ही सीड्स को आप अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। फ्लैक्सीड्स को लेने का तरीका, फ्लैक्सीड के ऊपर एक बहुत बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी आती है, क्योंकि फ्लैक्सीड्स क्या होते हैं, इनका नेचर है, इनकी जो तासीर है वो गर्म होती है। तो बहुत सारे लोगों को शिकायत रहती है कि फ्लैक्सीड लेने के बाद उनको पिंपल्स हो रहे हैं। उसका एक बहुत ही छोटा सा जो है सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या है, आपको हमेशा इसे जो है भिगो के लेना है। साथ में अगर आप भिगो के नहीं लेना चाहते हैं तो आप इसे जो है मिश्री के साथ में ले सकते हैं। मिश्री आप सभी जानते होंगे, सभी घरों में अवेलेबल है। मिश्री क्यों बता रहा हूं, एक तो मिश्री की जो तासीर है वो जो है ठंडी होती है, मिश्री जो है उसका नेचर है वो ठंडी होती है, तो वो जो फ्लैक्सीड्स की जो गर्मी है उसको कम करने में हेल्पफुल है, ठीक है। और एक तरह का अच्छा फ्लेवर आपको मिलेगा साथ में। और ये तीनों ही तरह के सीड जो है नेचुरल है, किसी तरह का आपको साइड इफेक्ट इनके थ्रू नहीं देखने को मिलेगा। ये आपकी ओवरऑल बॉडी के लिए भी अच्छे हैं, साथ ही साथ आपकी स्किन हेल्थ के लिए अच्छे हैं। और अगर आप मार्केट में जाएंगे तो 50 रुपए में ये तीनों ही सीड्स आपको इतने मिल जाएंगे कि अगर आप एक इंसान के लिए एक महीना चलने के लिए सफिशियंट है, ठीक है। तो इतना सस्ता चीज मैंने आपको बता दी है, ठीक है। तो डेफिनेटली आप इसे बाय कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई आज की तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ।